हेलो। हाँ सर जी, ये क्या VHP का हेल्पलाइन नंबर है? जी सर जी, हम एक ऑनलाइन चैनल भावना मुख से बोल रहे हैं। बोलिए हम आपका रिकॉर्ड करके न्यूज़ बना सकते हैं। सर। हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों ने क्यों ओपन किया, ये लेके जरा विस्तारित में बता दीजिए ना। क्या बताना भाई सर उसमें? ये मैंने हेल्पलाइन नंबर किस लिए आप लोगों ने शुरू किया? ये हेल्पलाइन नंबर जो अपने हिंदू समाज के लोग हैं जिनको इन्हीं जिहादी मानसिकता के लोगों से कोई थ्रेट आती है, धमकी आती है, और हाँ इनके जब वो अपना लीगल कुछ हेल्प लेने के लिए जाते हैं और वहाँ उनको मिल नहीं पाती है, इनको जा नहीं पाते हैं, तो इनकी जो एक लीगल हेल्प को चाहिए, जो एक चैनल है तो उस चैनल को कोई फॉलोअप नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारे अपने विष्णु दीपक सिंह और बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी हेल्प करने के लिए हैं, तो उसके लिए नंबर जारी किया गया। अच्छा, तो अगर हमारे देश में हेटरेट इतने साल से चल रहा है तो इसको हटाने के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? किस चीज को हटाने के लिए जी? मैंने जैसे सोचिए, कोई गलत बात कहता है या हिंदू के लिए, तो हिंदू भी गलत बात करते हैं मुस्लिम के लिए, तो इसको हटाने के लिए हम लोग अच्छा अच्छा बात कुछ सामने ला सकते हैं कि उनमें देखिए ये अच्छा है, ताकि बिल्कुल वो बोले गलत, आपका ये अच्छा है। देखिए डॉक्टर ऐसा है कि गलत बात तो कोई भी है उसका समर्थन हम कभी करते नहीं है, हाँ और विशेष तौर पर यदि कोई गलत बात हिंदू समाज के लोगों के साथ में होती है तो उनकी सहायता के लिए हमने ये नंबर जारी किया है। अच्छा, इसमें हम देख रहे थे एक रिपोर्ट में आप लोगों ने कहा है आर्थिक सहायता भी करेंगे, तो ये आर्थिक सहायता कैसे कीजिएगा? आर्थिक सहायता में मान के चलिए किसी निर्धन हिंदू परिवार को लगता है कि उनको जरूरी है, बहुत अर्जेंट है, उसके बच्चों की किसी पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी और अन्य सुविधा के लिए, तो हाँ, वहीं से ही वहीं का हिंदू समाज खड़ा होकर के उनकी हेल्प करेगा, उनके कार्य हमारे कार्यकर्ता करेंगे। मैंने वो आपके पास एप्लीकेशन के ये नंबर के थ्रू भेजेगा? नहीं कोई एप्लीकेशन कोई नंबर पे सिर्फ उन्होंने बात करनी है, और ये हरियाणा के लिए हमने नंबर जारी किया है, तो अच्छा। हरियाणा में भी बताएगा कि मैं फलाने जिले का फलाने जगह का रहने वाला हूँ, तो वहां के कार्यकर्ता जो यथासंभव मदद हो सकेगी उसके लिए हम तैयार मैंने आप लोगों ने कोई निर्धारित अमाउंट ठीक नहीं किया है जो उसको हैं। नहीं कितना बिल्कुल रुपए नहीं, हेल्प बिल्कुल करना नहीं, है? नहीं, 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 और ना ये हमने अपनी तरफ से देना है, ये हाँ समाज से ही कलेक्शन करा करके उनकी सहायता करानी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारा हिंदू समाज इसमें आगे आएगा? बिल्कुल आता है जी, समय समय पर आपने देखा भी होगा। तो आप ये हमको एक चीज बताइए, हमारे देश में अभी भी तो फादर मदर के लिए पेंशन नहीं है, ना गवर्नमेंट के तरफ से, ना किसी हिंदू समाज के तरफ से, ना किसी मुसलमान समाज के तरफ से, ना किसी जैन समाज के तरफ से, ना ईसाई के समाज के तरफ से। तो ऐसा कुछ परमानेंट सोच के आप लोग सोच रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो अपना ध्येय है, हमारा जो अपना लक्ष्य है, हम उस पर काम करेंगे, अदर चीजें बहुत है, उन सब चीजों में हमने नहीं पढ़ना, उसके लिए और अन्य अन्य संस्थाएं, अन्य अन्य जो डिपार्टमेंट है वो कार्य कर रहे हैं, हमारा अपना जो अच्छा कार्य है वो हिंदू समाज की हितों की रक्षा करना है। अच्छा तो आपको लगता है जो नेचुरली जो समाज खुद को रक्षा कर नहीं पा रहा हो, सोचिए दो आदमी खतरे में है, पूरा हिंदू समाज तो खतरे में नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल आप सिर्फ दो आदमी के लिए आप सोच रहे हैं, पूरा समाज के लिए नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ समय होता है किसी बात को उठाने और करने के लिए, ये समय आ चुका है, क्योंकि तो अब ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं रही है, जिस कट्टर मानसिकता से, जिस जिहादी मानसिकता से ये कृत्य किया गया है, ये केवल दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं है, ये धार्मिक उन्माद के चलते की गई हत्या है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उसके बाद किया गया है, तो इसलिए हिंदू समाज को रक्षा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, उनके जान माल की सुरक्षा करना, ये विश्व हिंदू परिषद का भी अपना काम है। तो आप लोगों क्या मतलब गुडविल क्रिएट करना क्या काम नहीं हो सकता है? नहीं गुडविल की तो कोई बात ही नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की सोचिए, प्रस्तावित आप बात। अगर किसी समाज के बारे में अच्छा अच्छा बात कर रहे हो और उनको भी आपके साथ लेकर वो भी अच्छा अच्छा बात कर रहे हो, तब तो इरेडिकेट हो जाएगा ना, ये उग्र समाज ही नहीं रहेगा। नहीं अच्छी बात तो हमेशा से करते ही हैं, लेकिन अच्छी बात और अच्छी भाषा समझ में कब आती है उन लोगों को, आप बताइए।
नहीं अच्छी बात आती है, मैंने जब जनरली पूरा समाज के लिए अच्छी बात किया जाए वो तो बच्चे को भी समझ में आएगा। ये बिल्कुल, अपने समाज में तो आपको पता होगा कि सनातन धर्म के अंदर हमेशा से विश्व के कल्याण की बात की है। हमारे धर्म के लोग आज भी जीव जंतुओं को, चींटियों को भी आटा खिलाने में विश्वास करते हैं। हमने तो हमेशा प्रोत्साहन और कल्याण की बात की है। बात करना और इंप्लीमेंट करना दो चीज अलग हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बात ही नहीं की है, हमने किया भी है। आपने देखा भी होगा, हम नाग पंचमी को 20 सांपों को दूध पिलाने का काम करते हैं, लेकिन वही सांप यदि काटने का काम करेगा तो कल को चढ़ने का भी काम ये हिंदू समाज करना जानता है। नहीं नहीं, वो तो दूसरा बात हो रहा है, हम बोल रहे हैं जनरली सिटीजन के एजेंडे में क्या कुछ नया, माने कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता है कि हमारा समाज का हर आदमी लड़की के शादी के लिए 20 लाख रुपया उठा के देगा, तो मैंने में हम लोग जो जाएगा वो 30 रुपया तो कंट्रीब्यूट कर ही सकता है, या घर का वेस्ट जमा करके भी हर लड़की के पास खड़ा हो सकता है जिसके शादी होने का, ये 5 साल की लड़की के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देंगे हम लोग। ऐसा कोई नेशनल एजेंडा सामने नहीं आ सकता है क्या आप लोगों के माध्यम से? देखिए भाई साहब, एजेंडे बहुत हैं और बहुत कुछ हमारे बड़े पदाधिकारी सोच करके कैसे हम अपने समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हमारी चिंतन बैठकें होती रहती हैं। अभी जो सोचा है हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे जो कुछ और निर्देश होगा हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा चैनल डेवलपमेंट का बात करता है इसीलिए हमने आपको फोन किया। अगर आप किसी को बचाने के लिए गन दे सकते हैं तो पूरे समाज को बचाने के लिए हम लोग नेशनल एजेंडा भी ला सकते हैं, तो ये चिंतन करने के लिए मेरे चैनल से हम आपको कहेंगे। और आपका शुभ नाम सर जी? जी धन्यवाद जी, आपने दिया है सुझाव, इस पर हम चर्चा करेंगे, आपकी बात के ऊपर। और हम तो चैनल है तो हम करके, आपका ये व्हाट्सएप नंबर भी है क्या? ये व्हाट्सएप नंबर अभी शुरू नहीं किया, करेंगे सर व्हाट्सएप नंबर शुरू। तो आप हमको एक व्हाट्सएप नंबर से हाई लिख दीजिएगा, हम आपको ये वाला लिंक भेज देंगे जो हमारे बीच में अभी बात हुआ, ताकि हमारे